गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। आज के इस क्लास में आपको मैं बताऊंगा कि इसमें नंबर सिस्टम क्या होता है। यह क्लास आप पढ़ने के लिए आप थर्ड से लेकर के एट तक के लिए सभी वीडियो को आप देख सकते हैं, और इसमें हम जानेंगे नंबर सिस्टम क्या होते हैं और इसमें नंबर सिस्टम कैसे काम करते हैं। तो चलिए आइए यहाँ पर हम शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है? नंबर सिस्टम जो हमारा होता है, डिजिटल कंप्यूटर में जो भी डेटा हमारा होता है वह स्टोर जो होता है वह बाइनरी नंबर में होता है। और वह बाइनरी नंबर कौन सा होता है? वह आपका जीरो और वन पे काम करता है। उसके बाद से जो आपका मेमोरी होता है और उसके बाद से रजिस्टर होता है, उसमें यह स्टोर करता है, तब वह डेटा को समझता है। उसके बाद से डेटा या इंफॉर्मेशन जो हमारा होता है, डेटा या इंफॉर्मेशन आपका कोई फाइल हो सकता है, कोई फोटो हो सकता है, या फिर आपका कोई वीडियो हो सकता है, या फिर आपका कोई आपका ऑडियो हो सकता है, उन सभी को हम डेटा कह सकते हैं, इसको डेटा कहते हैं। उसके बाद से इसको अगर प्रस्तुत आपको कराना है कंप्यूटर में, तो उसको आपको रिप्रेजेंट करने के लिए वह बाइनरी नंबर में समझता है। तो वह बाइनरी नंबर क्या है? बाइनरी नंबर जीरो और वन पे काम करता है। तो इस तरह से हमारा बाइनरी नंबर काम करता है और यह जीरो वन पे प्रोसेस होता है। अब हम देखते हैं नंबर सिस्टम में आपके टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम कितने होते हैं। तो टाइप्स ऑफ नंबर सिस्टम हमारे फोर होते हैं, और वह फोर कौन कौन से होते हैं? आपके बाइनरी नंबर सिस्टम होता है, उसके बाद से सेकेंड पे ऑक्टल नंबर सिस्टम, डेसिमल नंबर सिस्टम है, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। इस तरह से नंबर सिस्टम के टाइप्स ऑफ प्रकार हैं फोर। तो इसमें आपके क्या क्या नियम होते हैं, रूल क्या क्या होता है, उसको हम जानेंगे। तो बाइनरी नंबर का आपका जो बेस होता है, बाइनरी नंबर का जो बेस होता है आपका टू होता है, और उसके बाद से ऑक्टल नंबर का बेस जो होता है आपका एट होता है, उसके बाद से डेसिमल का आपका टेन होता है, और हेक्साडेसिमल का आपका सिक्सटीन होता है। इस तरह से हम इसी आधार पे इस क्वेश्चन को हम लगाते हैं। ये आपका मैथ की तरह होता है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे एक एक वीडियो में आपको मिलता रहेगा। तो चलिए यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो बाइनरी नंबर के एग्जाम्पल हैं। एग्जाम्पल में आपका बाइनरी नंबर जीरो और वन पे होता है, तो जीरो और वन पे हम मैथ की तरह क्वेश्चन को लगाएंगे। यहाँ पे एग्जाम्पल समझने के लिए मान लीजिए आपका एग्जाम्पल यही है। बाइनरी नंबर में जब भी हम कोई बाइनरी नंबर लिखेंगे, इस तरह से आपका बाइनरी नंबर जीरो और वन पे होगा, उसके बाद से इसमें बेस जो आपका होता है, बेस आपको जरूर लिखना होगा टू, तभी आपका क्वेश्चन सही माना जाए। उसके बाद से इसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो कन्वर्ट करने के लिए अलग अलग कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे आपका ऑक्टल नंबर, डेसिमल, हेक्साडेसिमल। इसमें कन्वर्ट करने के लिए जिसमें आप कन्वर्ट करते हैं उसका यहाँ पे आपका बेस लिखा होना चाहिए। तो हमको बाइनरी नंबर का सिर्फ एग्जांपल समझना था, तो बाइनरी नंबर का एग्जांपल इस तरह से होता है। उसके बाद से ऑक्टल नंबर का एग्जांपल जो होता है, ऑक्टल नंबर का एग्जांपल है हमारा वन टू थ्री फोर। उसके बाद से इसका बेस आपका क्या है? ऑक्टल नंबर का बेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे आपका ऑक्टल नंबर का बेस एट है। इसको आप कैसे जानेंगे कि इसमें क्वेश्चन में हमारा इस तरह से आपका क्वेश्चन आएगा, तो उसको हम जानेंगे अगले वीडियो में। अभी हम सिर्फ एग्जांपल देखते हैं कि एग्जांपल किस तरह से। उसके बाद से डेसिमल नंबर का जो एग्जांपल है, डेसिमल नंबर का एग्जांपल आपका टू फाइव सेवन, और यहाँ पे बेस उसका कैसे पता चलेगा, यह डेसिमल नंबर का है, उसके नीचे भी है। उसके बाद से बेस आपका क्या होगा? टेन हो जाएगा। अब हम लास्ट देखते हैं, लास्ट हमारा क्या है? हेक्साडेसिमल का एग्जांपल।
चलिए अब हम देखते हैं इसमें नंबर सिस्टम के टाइप्स ऑफ प्रकार कितने हैं। टाइप का प्रकार इसमें फोर होते हैं, बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, इस तरह से आपके प्रकार हैं। इसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके लिए हम अगले वीडियो में जानेंगे। और आपको यह भी बता दें, अगर यह वीडियो आपको सबसे पहले किस नंबर में किस में कन्वर्ट करना है उसको जानना है तो आपको सबसे पहले जाना होगा कमेंट बॉक्स में, उसमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसमें सबसे पहला आप क्या सीखना चाहते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।